सीएनआरसी के विरोध में तकरीबन एक महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर बैठी हैं और ये विश्व भर में सुर्खियों में बना हुआ है शाहीन बाग का प्रोटेस्ट। और इसको लेकर आपको बता दें कि ये हाईवे बंद है जिसके चलते तीन राज्यों को जोड़ने वाली ये सड़क पिछले एक महीने से बंद है। तस्वीरें देखिए, यहाँ लगातार लोग जो है विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी रोड को खाली कराने की, तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सरकार और पुलिस कानून और नियम के मुताबिक देख ले अपने हिसाब से, उस हिसाब से कार्रवाई करे। लेकिन जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया कि पुलिस कोई एक्शन ले सकती है, तो आज सुबह बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। तस्वीरें देखिए, दूर तक लोग यहाँ पे अभी भी इकट्ठा हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची थी लेकिन लोगों से बातचीत करने के बाद वापस चली गई। ऑर्डर दिया था कि ये लोग खाली कर दिया जाएगा। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। पुलिस खाली कराने का ऑर्डर दे रही है आप लोगों के विरोध प्रदर्शन की जगह को? पुलिस को हक क्या होता है खाली कराने का? है पुलिस क्यों कराना चाहती है? पुलिस को हमारे वजूद का पता नहीं है? कितनी पब्लिक निकली पड़ी है? पुलिस पहले कानून का काला मुंह करा के आवे, उसके बाद हमें खाली कराने की बात करे। तीनों काले कानून वापस करो, उसके बाद हमसे बात करो। तुमने क्या हमारा वादा पूरा करा जिसमें तुम खाली कराने के लिए आ रहे? क्या हमको पागल समझा है जो हम एक महीने से बैठे हैं? क्या बेवकूफ समझा है उन लोगों ने? पहले योगी अमित शाह मोदी को समझाओ कि इस कानून को खत्म करो, उसके बाद वापस कराने के लिए आओ। इससे पहले तुम्हारी कोई मांग पूरी जब तक हमारी नहीं होगी, तुम खाली हमसे नहीं करा सकते। हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई जिसमें यह कहा गया कि लोगों को दिक्कत हो रही है, हरियाणा जाने वाले, नोएडा जाने वालों को, तो कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस कानून के मुताबिक फैसला कर ले। अब वो लोग मोदी से ये कहें कि इनकी मांग पूरी कर दो, खुल जाएगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होता कि जो खुल सके। किसी की ताकत नहीं है जो हमें हटा ले। पुलिस हटाने के लिए आ रही है, आप लोग डटे रहेंगे? हेलो, पुलिस क्यों हटागी? क्या बात है पुलिस में? आई मोदी से भी तो कहवे, पुलिस हमारी मांग पूरी करा लाई या आप पूरी करा लाए? हैं? अरे पहले हमारी मांग पूरी कराओ, उसके बाद हम तो आप ही खड़े हो जाएंगे। हम कोई घर से फालतू बैठे हैं? हैं? जो हम कभी दरवाजे से बाहर नहीं निकले थे, आज यहाँ सड़क पे बैठे हैं। जो महिलाएं ये खुद कह रही हैं कि हम कभी दरवाजे से बाहर नहीं निकले थे, आज सड़क पे निकले हैं। कुछ और महिलाएं हैं जी, बताइए, पुलिस अब खाली करने को कह रही है, कह रही है लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरी बात सुनिए, अगर पुलिस हमें हटाएगी, कोर्ट के ऑर्डर दिखाए, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएगी, जब तो हमें पुलिस हटाएगी ना। हम पुलिस की बात कैसे मानेंगे? हमें कोर्ट, जब हमें कोर्ट के आदेश मिलेंगे तभी तो हम हटेंगे ना। हम नहीं हटेंगे जब तक कोर्ट का ऑर्डर, अगर पुलिस हमें आके कहे हटो, तो हम पुलिस की बात नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट ने आज ये कहा है कि पुलिस नियम और कानून के मुताबिक जो है देख ले क्या हो सकता है, और चाहे तो हटा भी सकती है पुलिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट हमारे हक में, महिलाओं के हक में, वो देख रही है कोर्ट कि महिला पूरा एक महीने से अपने बच्चों को लेके बैठी हुई है, इसलिए वो हमारे साथ न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। मतलब जब तक न्याय नहीं होगा आप लोग नहीं हटेंगे? नहीं, जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे। बारिश आए तूफान आएंगे, हम यही बैठे रहेंगे, यही रहेंगे। महिलाएं अपनी जिद पे अड़ी हुई हैं कि पुलिस की कितनी भी तादाद में चली आए और किसी भी कीमत पर हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। और लगातार आपको दिखा दें कि बहुत बड़ी तादाद में देखिए लोगों की भीड़ इकट्ठा है और लोग लगातार यही कह रही हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर यहां से हटने को तैयार नहीं। आज सुबह एक्शन फोर्स आई थी लेकिन फोर्स को देखते ही और बड़ी तादाद में महिलाएं घरों से बाहर निकल आई और शाहीन बाग में आकर बैठ गई। आपको बता दें कि कुछ दूरी पर कालिंदी पुलिस का बस स्टैंड है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और महिलाएं वहां पर भी जाके बैठ गई है। यानी महिलाओं का ये कहना है कि हम एक महीने से बैठे हैं, क्या शासन प्रशासन को ये बात नहीं दिख रही है कि संविधान के खिलाफ जो काला कानून है उसके खिलाफ बैठे हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? हमारी बात सुनी जाए, हम हट जाएंगे, लेकिन पुलिस ताकत के बल पर अगर हटाएगी तो हम नहीं हटेंगे। कैमरामैन मनमीत के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस।